अनुभूति होगी इस भ्रमण के लिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप जिस राज्य या केंद्र शासित वहाँ वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों का एस्पेक्ट नहीं है, देर आर अदर एस्पेक्ट रिलेटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी, देर इज कॉल्ड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। एक हमारे जो बहुत ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे मिलेंगे, तो एक नया पर्सनों के लिए, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और कॉलेज में उनके साथ दोस्ती हुई, उनकी लैंग्वेज सीखी, उनका ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस लगा, क्योंकि जब आप बाहर हो रहा है किस तरह से अलग अलग कि युवा हमारा फ्यूचर जनरेशन है, सो जितना कंस्ट्रक्टिवली हम उनको एंगेज कर सकते हैं वो कंट्री की प्रोग्रेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती छात्र छात्राओं को भारत दर्शन के प्रोग्राम कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हर एक बॉर्डर इलाकों से छात्र छात्राएं दूसरे राज्यों में जाएं, वहां की संस्कृति, वहां के खान पान, रहन सहन, भाषा, लोगों को समझें, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखें। और जो हमारा देश काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है इकोनॉमिकली और साइंटिफिक फील्ड में, उस तरह के संस्थानों को देखें, किस तरह के अच्छे कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारे देश के डिफरेंट राज्यों में हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करें, जिससे कि वो एक फोकस तरीके से अपनी स्टूडेंट लाइफ को ढाल सकें और किसी एक अच्छे करियर के लिए एम करें। तरह के प्रोग्राम मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जो आप भ्रमण के दौरान जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं, जो आप इंटरेक्ट करते हैं, वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप में एक बहुत अहम रोल रखता है। और जब यहाँ के बच्चे, जो मेनली सीमावर्ती इलाके के लोग हैं, वो जब जाएंगे, जैसे ये टूर हम मुंबई के लिए ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो मुंबई जो कि हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, वहाँ पे कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, किस तरह के टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, किस तरह से नए नए इंस्टीट्यूशंस जिसमें डिफरेंट वैरायटी के करियर ऑप्शंस हैं, सो उससे उनका एक बड़ा ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है, जिसको लेके अगर वो चलें तो आई थिंक वो काफ़ी देश के डेवलपमेंट में बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं।